वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइज। तो गाइज कैसे हो? आज की वीडियो में है अपने पास एक एक्टिव क्रॉसओवर, जो कि अभी हमने इसकी होली सेल निकाल रखी है। तो जिसको ये चाहिए भाई, वो मेरे को व्हाट्सअप कर सकता है, व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में है। तो इसके बारे में जिन बंदों को नहीं पता, वो वीडियो को पूरा देख लेना, क्योंकि इसकी जो क्वालिटीज़ हैं, जो जो इसके बारे में फ़ीचर्स हैं इसके, वो सारे के सारे मैं बताने वाला हूँ इसी वीडियो में। तो वीडियो को लाइक तो करना ही है, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली जो चीज़ होती है, देखो क्रॉसओवर जो होते हैं अपने दो तरीके के होते हैं, एक होता है अपना एक्टिव क्रॉसओवर और एक होता है पैसिव क्रॉसओवर। तो पैसिव क्रॉसओवर जो होता है वो अपना लगता है स्पीकर का जो बॉक्स होता है उसके अंदर, यानी कि एम्पलीफायर की आउटपुट पर लगता है। जो अपना पैसिव क्रॉसओवर होता है वो जो एम्पलीफायर की है उसकी आउटपुट पे लगता है, यानी कि जो एम्पलीफायर से आउटपुट हमारी निकलती है उसको फिल्टर करने के लिए पैसिव क्रॉसओवर लगाया जाता है। लेकिन जो एक्टिव क्रॉसओवर होता है ये अपना काम वही करता है फ्रीक्वेंसी को फिल्टर करने का, लेकिन ये एम्पलीफायर की इनपुट पे लगाया जाता है। इनपुट आउट का मतलब तो आप समझ ही रहे होगे कि एम्पलीफायर कि जो स्पीकर की वायरें होती हैं, यानी कि जहाँ पे हम स्पीकर कनेक्ट करते हैं, ठीक है, स्पीकर कनेक्ट करने से पहले अपना पैसिव क्रॉसओवर लगता है, पैसिव क्रॉसओवर के ऊपर स्पीकर लगते हैं, ठीक है। लेकिन एक्टिव क्रॉसओवर जो होता है, एक्टिव क्रॉसओवर जहाँ पे हम एम्पलीफायर को सिग्नल देते हैं, एम्पलीफायर को इनपुट देते हैं, उससे पहले अपना ये लगता है एक्टिव क्रॉसओवर, ठीक है। तो एक्टिव क्रॉसओवर लगाने के बाद जो इनपुट रहती है वो हमें एक्टिव क्रॉसओवर में देनी होती है, और एक्टिव क्रॉसओवर से फिल्टर होके फिर वो हमारे एम्पलीफायर में जाती है, एम्पलीफायर उसको फिर एम्पलीफाई करता है, ठीक है। ये इसका काम होता है। और इनके बेनिफिट क्या हैं वो भी आप लोगों को बताता हूँ। तो देखो, जैसे अपना एक पैसिव क्रॉसओवर जो होता है वो पहले से ही फ्रिक्वेंसियाँ उसकी जो होती हैं वो टोन हो मतलब ट्यून्ड करवाई जाती हैं कि भाई इतने हर्ट्ज से इतने हर्ट्ज तक की फ्रिक्वेंसियों को ये हैंडल कर पाएगा, या इतनी फ्रिक्वेंसियों को ये फिल्टर कर पाएगा। तो उसके अंदर हम उसको मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते, या फिर अपने हिसाब से उससे फ्रिक्वेंसियां नहीं ले सकते। लेकिन एक्टिव क्रॉसओवर से क्या होता है कि सारी की सारी जो फ्रिक्वेंसियां होती हैं वो हम अपने तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं कि कितने फ्रिक्वेंसी हमको चाहिए, कितने हर्ट्ज से लेकर कितने हर्ट्ज तक चाहिए। जैसे इसके अंदर क्या होता है, नॉर्मल जैसे मैं आप लोगों को बताऊं कि जो ये पोटेंशियोमीटर हैं अपने, तो यहाँ पे जैसे ये एक अपना मान लो बेस का है, एक इसकी बेस की जो वॉल्यूम का है, ठीक है, वैसे ही यहाँ पे ट्रेबल की वॉल्यूम, तो इस तरीके से है। तो इनको जब हम घुमाएंगे तो जो फ्रिक्वेंसियाँ वो एडजस्ट कर सकते हैं हम आसानी से कि हमें कितनी फ्रिक्वेंसियों पर एम्पलीफायर को सेट करना है। तो इस तरीके से इसका काफ़ी सारा बेनिफिट होता है। और इसको चलाने के लिए भाई अलग से जैसे ट्रांसफार्मर की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन जो पैसिव क्रॉसओवर होता है उसके अंदर कोई ट्रांसफार्मर वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो सीधा एम्पलीफायर की पावर से ही चलता है, जिससे कि जो एम्पलीफायर की पावर है वो घटने के चांसेस रहते हैं। और इसकी जो फ्रिक्वेंसियाँ होती हैं गाइज वो प्रॉपर तरीके से फ़िल्टर होकर आती हैं, जबकि जो पैसिव क्रॉसओवर होता है उसके अंदर जो फ्रिक्वेंसियाँ हैं वो प्रॉपर तरीके से फ़िल्टर नहीं हो पाती हैं, क्योंकि उससे पहले क्या होता है कि जो या तो हम कोई बेस ट्रेबल लगाते हैं या कोई मिक्सर वगैरह लगाते हैं, तो इसलिए उसकी जो फ्रिक्वेंसियाँ वो प्रॉपर तरीके से फ़िल्टर वो नहीं कर पाता है। और इसके अंदर क्या है, क्योंकि बेस ट्रेबल वगैरह का काम भी यही करता है सारा का सारा। अब कुछ बंदे ये बोलेंगे कि बेस ट्रेबल वगैरह का काम किस तरीके से करता है, तो देखो क्या होता है कि जो बेस ट्रेबल होता है उसके अंदर सारी फ्रिक्वेंसियाँ एक साथ आती हैं, लेकिन इसके अंदर सारी की सारी फ्रिक्वेंसियाँ अलग अलग आती हैं, वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। जैसे देखो, यहाँ से हम इनपुट करेंगे तो यहाँ से हमें मिलेगी बेस, वहाँ से मिलेगी हमें ट्रेबल, यहाँ से मिलेगी हमें मिड। तो सारे के सारे चैनल्स इसके लिए अलग अलग होते हैं और उनको हम अपने तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये इसका काफ़ी सारा बेनिफिट होता है। तो आप लोग देख सकते हो, जो प्रोफेशनल बंदे हैं उनको पता ही है कि किस तरीके से इसका यूज करना है, ठीक है। इस पे आप जैसे मान लो स्टीरियो एम्पलीफायर अगर आप चला रहे हो तो तीन एम्पलीफायरों को ये आसानी से चला सकता है, और अगर मोनो एम्पलीफायर आप यूज़ कर रहे हो तो मोनो एम्पलीफायर को 6 एम्पलीफायरों पर ये अटैच हो सकता है, ठीक है गाइज। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।